नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम न्यूज चैनल पर और अखबार में अभी हाल में आई हुई इस सूचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के माध्यम से हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसकी पृष्ठभूमि में हम एस्मा कानून को समझने का प्रयास करेंगे कि ये कानून क्यों है और चर्चा में क्यों है। ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि हाल फिलहाल में ये चर्चा में आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 6 माह के लिए एस्मा कानून को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को हड़ताल करने पर रोक लगाई गई है ताकि विभिन्न प्रकार की सेवाओं की सुपुर्दगी को अबाधित ढंग से पहुंचाया जाना संभव हो सके, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके, कि ये कानून जो है एस्मा कानून कहलाता है। इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ये जो है केंद्रीय कानून है जिसे संसद के द्वारा पारित करने के बाद 1968 ईस्वी में इसे लागू किया गया है। एस्मा कानून यानी कि आवश्यक सेवा संरक्षण या अनुरक्षण अधिनियम, यानी कि जो भी समाज के लिए या विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए जो भी सेवाएं बनाई गई हैं सरकार की तरफ या जिनकी सुपुर्दगी को जो सुनिश्चित कर रही है सरकार, उन सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आ सके, इसलिए सरकार के द्वारा एक बार में अधिकतम 6 माह तक के लिए एस्मा कानून को लागू किया जा सकता है। अभी चर्चा में जो ये कारण चर्चा में रहा है वो यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले समय में कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले हड़ताल को रोकने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के लोगों तक आवश्यक सेवाओं के अबाधित ढंग से सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए एस्मा कानून को लागू कर दिया है। एस्मा कानून जब भी लागू होता है तो उसके अंतर्गत बकायदा न्यूज या अखबार या अन्य माध्यमों से ये सूचना प्रेषित की जाती है कि अब स्थिति से 6 माह के लिए एस्मा कानून लागू किया गया है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल फिलहाल में ये घोषणा की गई है। और ऐसा करने के पीछे उसकी यही मंशा होती है कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनमें किसी तरीके की बाधा ना उत्पन्न हो सके। ऐसा सरकार इसलिए भी कर सकती है क्योंकि वर्तमान समय में जो जटिल समस्याएं हैं COVID-19 के कारण से, विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी समस्याएं, जटिलताएं मानव जीवन के समक्ष उत्पन्न हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, विभिन्न सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के घोषणाएं या निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। अब इसमें प्रभाव क्या हो सकता है? इसमें प्रभाव यह हो सकता है कि एक बार में ये 6 माह के लिए लागू होगा और 6 माह तक जो है कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर रोक लगा दी गई। यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा या संगठन के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो 6 माह की जो है वो जेल की सजा या जो है 250 रुपये का जो है जुर्माना या दोनों जो है किया जा सकता है। ये इसका जो है प्रभाव होगा यदि उल्लंघन की स्थिति की जाती है। तो कुल मिलाकर के एस्मा कानून एक विशिष्ट प्रकार के समय में हड़ताल को रोकने के लिए और लोगों तक विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी या आवश्यक सेवाओं की पहुंच को बनाए रखने के लिए एस्मा कानून सरकार की तरफ से लागू किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार उन सेवाओं की सूची भी जारी कर सकता है जो कि व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए या जीवन को बचाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो इन सभी बातों की पृष्ठभूमि में, चूंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक महत्वपूर्ण स्टेट है और वर्तमान समय में पूरा देश और पूरा विश्व जो है COVID-19 के कारण से प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है तो उसके पृष्ठभूमि में एस्मा से संबंधित का सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर एस्मा कानून क्या है, उसके चर्चा क्या रहे हैं और उसके प्रभाव क्या होते हैं और निष्कर्ष इस तरीके की बताया गया है, ये बातें न केवल प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से बल्कि मुख्य परीक्षा में जिस तरीके से पैटर्न न केवल UPSC बल्कि UPPSC ने हाल फिलहाल के वर्षों में अपनाया हुआ है, तो वहां पर आपको उत्तर लिखने में एक समझ पैदा करेगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में आपका मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी एक
घटना के संदर्भ में, समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में एक अवधारणात्मक समझ आपके अंतर्गत विकसित हुई होगी, तो आप इस टॉपिक के साथ साथ अपने अन्य सभी टॉपिक की बेहतर ढंग से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है तैयारी जारी रखिए। पुनः एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।